दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां टेस्ट के साथ साथ वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम हार गई है। इसके बाद रोहित शर्मा का बयान कोहली को कप्तान बनाने के लिए सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं रोहित शर्मा ने क्या कहा अपने इस बयान में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से बेहतरीन कप्तान कौन रहा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे में भारत को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से करारी हार मिली है, जिसके बाद विराट कोहली ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और वहीं खेले गए वनडे सीरीज के पहले और दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, और इसी के साथ भारतीय टीम वनडे सीरीज को हार गई। जिसके बाद रोहित शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें रोहित शर्मा ने विराट कोहली की कप्तानी को लेकर कहा है कि भारतीय क्रिकेट में फिर से एक विवाद का माहौल शुरू हो गया है। और विराट कोहली के आंकड़े बेशक रोहित शर्मा से खराब हैं, लेकिन विराट कोहली बेहतरीन कप्तान हैं। उनको दोबारा से कप्तानी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये दबाव में आकर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, जिसको लेकर विराट कोहली ने बहुत बड़ा निर्णय अपने ऊपर लिया है। और विराट कोहली एक मुख्य खिलाड़ी हैं, जिनका टीम में होना बहुत जरूरी है। उनके होने से टीम ज्यादातर ताकतवर दिखाई देती है, और उनका होना टीम में एक सीनियर खिलाड़ी की कमी को भी पूरा कर देता है। जिस तरीके से भारतीय टीम वनडे सीरीज में भी बुरी तरीके से हार गई, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल अभी भी कप्तानी के लिए तैयार नहीं है, जिनकी जगह विराट कोहली को दोबारा से कप्तानी दे दी जाए। जब से भारतीय टीम वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबलों में अपनी इज्जत बचाने के लिए जीत के नजरिए से खेलने को उतरे, और राहुल कितने ही बढ़िया कप्तान हो, लेकिन वनडे सीरीज में उनकी कप्तानी का असर नहीं दिख रहा है, जिस वजह से विराट कोहली को दोबारा से टीम का कप्तान बना देना चाहिए, जिससे भारतीय टीम बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर सके। और एक अच्छे कप्तान के रूप में विराट अपना साउथ अफ्रीका दौरे पर अंतिम वनडे का मैच कप्तानी के रूप में खेले, और भारतीय टीम को बेहतरीन तरीके से जीत भी दिलाए, जिससे भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी आखिरी मैच को देखकर खुश हो जाएं। विराट ने 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है और 65 में टीम इंडिया को जीत दिलाई है, तो वहीं 27 में उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है, और उन्होंने अपनी कप्तानी में 70.43% मैच जीते हैं। और T20 में विराट ने 50 मैचों में भारत की कप्तानी की है, और इसमें से 30 मैच भारत जीता है, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा, और 2 मैच टाई रहे, और 2 का कोई नतीजा नहीं निकला, और दोनों टाई मैच भी भारत ने सुपर ओवर में जीते थे। हालांकि अब तक कप्तान के रूप में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, और उन्होंने आखिरी बार अपनी कप्तानी में ICC U19 वर्ल्ड कप जीता था। 2017 में विराट ने तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी संभाली थी, जिसके बाद से भारत ने अब तक 4 ICC टूर्नामेंट खेले पर किसी में भी टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं जीत पाई। और धोनी के बाद कोहली टीम इंडिया के कप्तान बने, और उन्होंने 9 दिसंबर 2014 को टेस्ट की कप्तानी संभाली थी, और उस समय वे 26 साल के थे। और कोहली ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, और इनमें टीम इंडिया को 40 में जीत मिली, तो वहीं 17 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि 11 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोस्तों, केएल राहुल को विराट कोहली की जगह कप्तान बनाना कितना सफल हुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।